Jungle Book. And my impression with this city is wow, corona time पे भी इतनी भीड़। ओल्ड टाउन के लिए फेमस है, यहाँ जो यूरोप का ओल्ड टाउन कल्चर है वो इस पर्टिकुलर जो सिटी है उसमें सबसे ज़्यादा अच्छे से मेंटेन किया है। वो हमने भी देखा क्योंकि हम भी दूसरी सिटीज़ में गए हुए हैं, पर इधर पर बहुत अच्छे से जो स्ट्रीट कल्चर है, जो ओल्ड टाउन कल्चर है, वो बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। तो ये भी यहाँ का एक बहुत अच्छा फैक्ट है हाइडलबर्ग का। हाइडलबर्ग जो है वो वाडेन-वर्टेम्बर्ग स्टेट में है और फ्रैंकफर्ट से कुछ 76 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो अगर आप आसपास आ रहे हो तो विज़िट दिस प्लेस, बिकॉज ये बहुत ही खूबसूरत है। इसका बहुत ही अच्छा चार्म है और बहुत ही प्यारी, मतलब बहुत ही अच्छा फील है, बिकॉज वैलीज तो दिख ही रही हैं आपको पीछे। तो क्यों ना मैं आपको जर्मनी की सबसे ओल्डेस्ट सिटी बताती हूँ, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको यूरोप की बहुत सुंदर सुंदर जगह बताऊंगी, दिखाऊंगी। और ये जो स्ट्रीट है ये यूरोप की लॉन्गेस्ट स्ट्रीट है, ये शॉपिंग स्ट्रीट है जो बहुत लॉन्ग है, एक्चुअली चलते चलते पैर दुखने लगते हैं। और दिस ब्यूटीफुल माय हस्बैंड, नो दिस ब्यूटीफुल ब्रिज एंड प्लस माय हस्बैंड एंड प्लस जो भी आपको नज़ारे दिख रहे हैं। एंड स्ट्रीट कल्चर यहाँ का बहुत अमेजिंग है। मैं हाइडलबर्ग है वो टाउन है नेकर रिवर पे, ये जो रिवर है वो नेकर रिवर है। हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी के लिए फेमस है क्योंकि यूनिवर्सिटी यहाँ की उतनी ही पुरानी है जितना कि जो यूनिवर्सिटी है जिसे बोलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडलबर्ग, वो 14th सेंचुरी में बनी हुई थी। तो जितना पुराना ये टाउन है उतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है, तो बच्चे बहुत घूमते फिरते दिखते हैं यहाँ। ये है टिपिकल यूरोप की जो ओल्ड टाउन्स की जो स्ट्रीट्स होती थी वैसी। तो अगल बगल बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, लोग खा पी रहे हैं, चिल कर रहे हैं, बीच में लोग घूम रहे हैं। और आई थिंक इट्स लुक लाइक मॉडर्न, आई डोंट थिंक ही ओल्ड। लोगों के एटीट्यूड से मॉडर्न लग रही है बट बोलने से ओल्ड है। This is Detritus Trinken, pub and drinking places for students and people like this so much. यहाँ खड़े का नाम है बेट्राइट्स ट्रिंकन और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो ये जगह को ज़रूर रिकमेंड करेंगे, बिकॉज यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी लोग हैं वो ये जगह को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पर लाइंस ऑफ पब हैं, चलो घूमते हैं और हमें आपको दिखाते हैं कितने सारे पब्स हैं। सुबह 4 बजे तक खुलता है। हाँ हाँ, ये पूरा एक स्ट्रीट है जिसमें बहुत सारे पब्स हैं और ये फेमस इसलिए क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत ओल्ड यूनिवर्सिटी है। जितना टाउन ओल्ड है उतना यूनिवर्सिटी 1300 की यूनिवर्सिटी है। हाँ, और स्टूडेंट्स बहुत रहते हैं। पीछे वाली लाइन में सारे पब हैं और उसके पीछे वाली लाइन में पूरी बहुत लंबी शॉपिंग स्ट्रीट है। और उस तरफ हमारे इस तरफ ये वो पीछे वो रिवर है, दिखाते हैं। तो जो बोलते हैं ना ओल्ड टाउन पब्स करके, जो एकदम सेम फील आ रहा है यहाँ पर मुझे। मैं बहुत सारे जब हमारी स्टोरीज बनती थी फैशन में तो हम लोग ओल्ड टाउन पब्स और इन सब की स्टोरीज बनाते थे, तो वो एक्चुअली जो हम लोग बनाते थे वो सेम होता था। आज मैंने देखा तो मुझे पता चला ओके, एक्चुअली जो हम लोग कॉन्सेप्ट ऐड करते हैं वो एक्चुअल में है। So if you're looking for pub nightlife, so this is place for you, because this is सुबह तो है ही interesting पर nightlife भी बहुत interesting है यहाँ की। So this is the actual feel of old bridge. See. Oh.
कहाँ पर खड़े हैं अभी हम लोग? ये ओल्ड ब्रिज पे खड़े हुए हैं हाइडलबर्ग के, और एक्चुअली यार ये मतलब मुझे द कॉम्बिनेशन ऑफ कुछ सिटीज़ के जैसा लग रहा है। लाइक हम लोग गए थे एक तो साल्ज़बर्ग और स्ट्रासबर्ग का कॉम्बिनेशन कैसा? हाँ स्ट्रासबर्ग नहीं, ये पीछे हमारे पेरिस पेरिस ओके कैसल दिख रहा है। हाँ ये कैसल है, ये सेकेंड वर्ल्ड वार में इसका ये हाल हुआ है। और इधर फ्लॉस्फन वैग है ऊपर, ये ब्रिज है, ये नदी है और ये सुरभि है। ये जर्मनी की वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड या टूरिस्ट प्लेस में से एक है बिकॉज ऑफ द फैक्ट जो मैं आपको बता रही हूँ और आगे चल के भी बताऊंगी। और मैंने इंस्टाग्राम में ये शेयर किया है कि क्योंकि कोरोना था और कहीं भी हम लोग जा नहीं पा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि मैंने जीना छोड़ दिया है एंड आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग वर्थफुल। और अभी जब मैंने इस पर्टिकुलर जगह पे टाइम स्पेंड किया तो आई फाइंड माई सेल्फ। सो दिस इज फिलोसफी वे या फिलोसफी वॉक। तो हम लोग बीच बीच में ऐसी जगह आएगी ताकि आप चिल कर सको। दीपक क्या बोल रहे थे? तो दीपक बोल रहा है ये हमारा लोगों के अड्डे बन जाए ऐसी जगह, अगर ऐसी जगह हो तो आराम से बैठ के लोग हमारा लोग। इतना चढ़ने के बाद व्हाट एल्स यू फाइंड दिस व्यू? सो आफ्टर स्टेयर्स ट्रैकिंग बहुत टाइम तक चलने के बाद हम यहाँ पहुंचे और एग्जैक्टली मुझे पता चला कि इसे फिलॉसफी या फिलॉसफी बैग क्यों बोलते हैं। ऑब्वियसली यार इतना चढ़ने के बाद जब आपको इतना सुंदर सिटी व्यू मिलेगा तो आपकी जो फिलॉसफी है वो अपने आप आ जाएगी बाहर। Is beautiful, charming, and of course energetic. है वेंडर्स जहाँ पर आप यहाँ की जो लोकल ब्रू है वो ट्राई कर सकते हो, ये बॉटल्स में देते हैं। होममेड है और कुछ 6 यूरो की बॉटल होती है। कितनी बड़ी बॉटल होगी वो हमने जाके पूछा था? एक 1.5 लीटर की है शायद। 1.5 लीटर की है, बहुत बड़ी बॉटल है। तो वो बड़ी कुछ तो। हाँ तो वो ट्राई कर सकते हो इफ यू आर लवर लाइक ब्रू लवर, और देन दिस इज द वेंडर्स इज द प्लेस। बोट रेस्टोरेंट ऑल्सो जो यहाँ पर है, हम लोगों को तो वैसे ही मज़ा आ रहा है तो हम बोट रेस्टोरेंट्स में से में नहीं जा रहे हैं, पर अगर आपको जाना है तो आप उसमें जा सकते हो। दिस इज एक्चुअल सिटी कल्चर व्यू जो पीछे दिख रहा है। देखो शाम हो गई है और अब लोग बैठ चुके हैं अपनी अपनी सीट पे और इंजॉय कर रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम तफरी कर रहे हैं, जा रहे हैं नदी किनारे बैठने, थक गए हैं घूम घूम कर। ऑल्सो अगर आप लोगों को जैसे रेस्टोरेंट में बैठ के कोको कोला जूस या बियर वाइन वगैरह नहीं पी, तो आप कोई भी लोकल सुपरमार्केट है वहाँ जा सकते हो और वहाँ से सामान खरीद सकते हो आपको बहुत सस्ते में बाहर के रेट से। तो कंपेयर करें तो यहाँ पर ऐसी शॉप्स होती हैं यहाँ इस पर्टिकुलर स्ट्रीट पे। इसमें क्या नाम है? टेगुट। टेगुट टेगुट है, उसमें आप लोग ले सकते हो। तो यहाँ पर जो सुपरमार्केट रेट्स हैं उस पर सब कुछ मिल जाता है, तो आप ये भी इंजॉय कर सकते हो। आई थिंक स्टूडेंट्स यही करते होंगे। एंड यू कैन एंजॉय दिस, दिस इज द बेस्ट थिंग। अब थक गए हैं तो हम लोग बस ये रिवर के किनारे आके बैठ गए हैं। हम लोग कोला लाए हैं, जूस लाए हैं, वो बैठ के पियेंगे, और चिप्स लेके आए हैं वो खाएंगे और इंजॉय करेंगे। लाइक अब हमारा मी टाइम होगा अब थोड़ी सी देर का, अभी बहुत भागने वाला। द
बेस्ट पार्ट इट कि आप रिवर के पास जाके अपना फूड एंजॉय कर सकते हो, ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हो, बट अदर देन दैट सारे ही तरीके के क्यूजिन्स जो हैं स्ट्रीट पे मिल जाते हैं एंड आइसक्रीम जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है, टेस्टी है. और दिस कॉस्टेड 1.50 €, 1.50 €, लाइक जितने कि आप पब्लिक प्लेसेस पे वॉशरूम यूज़ करोगे उतनी की एक आइसक्रीम आ जाएगी. Also, I noticed ब्रिज के एकदम सामने चाइना रेस्टोरेंट, फुकेट रेस्टोरेंट, स्पेनिश रेस्टोरेंट, होलैंड रेस्टोरेंट, सारे ही रेस्टोरेंट्स लाइन से थे. तो ऑफ कोर्स आपका जो भी फेवरेट है आप यहाँ पर खा सकते हो. तो अभी कितना टाइम हो गया, 7:45, और हम लोग बस घूम रहे हैं ऐसे ही, मज़ा आ रहा है. बहुत ज़्यादा बहुत मज़ेदार जगह है. बैठी हूँ तो मैंने सोचा मैं आपको हाइडलबर्ग के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ. सबसे पहले तो देखो ये क्या है, बाइसिकल. हाँ, तो जो हाइडलबर्ग बाइसिकल है वो इन्वेंट करी गई थी यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है, हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी, उसी की एलुमनाइन है. तो ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है जो मुझे अभी पता चला और आप लोगों को भी. सेकंड फैक्ट इज जो हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी है वो ओल्डेस्ट है इन जर्मनी की, मतलब तो यहाँ ये वाली जो यूनिवर्सिटी है ये ओल्डेस्ट है, और हर चार में से एक जो लोग हैं वो है स्टूडेंट यहाँ पर. द अदर थिंग इज़ वैसे तो सेकेंड वर्ल्ड वार में मोस्ट ऑफ द सिटीज़ जो जर्मनी की है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी, पर ये उसमें बच गई थी. इसी वजह से इन्होंने ये पर्टिकुलर सिटी का जो एनवायरनमेंट है और जो भी हिस्टोरिकल कल्चर है वो मेंटेन करके रखा. यही इसमें बियर मिल रही है यूनिवर्सिटी कैंटीन, वो स्टूडेंट कैंटीन में बियर रखी हुई है. हाँ मैंने भी देखा, रुको मैं दिखाती हूँ अगर आपको दिखता है तो. तो यहाँ पर लोग जो हैं स्टूडेंट्स हैं कॉफ़ी और कैंटीन का जो भी है चीज़ें वो एंजॉय करते हैं, प्लस ये सामने गार्डन है इसको एंजॉय करते हैं, खेलते वेलते हैं बैठे हुए. अब जो है वो होम है वर्ल्ड लार्जेस्ट वाइन बैरल का. मैंने बताया था कि इस मंकी से हैंडशेक करना है, अगर तुम्हें यहाँ फिर से आना तो उसे हैंडशेक करना पड़ेगा. उसमें कोरोना ना लगा हो. रहने दो, यहाँ से कर लो हैंडशेक. उसको हाथ मिलाने का मतलब दीपा, यू विल विजिट अगेन. तो अगर आपको भी विजिट फिर से करना है तो उसका हाथ, उससे हाथ जरूर मिलवाना, तभी आप विजिट कर पाओगे. आपको बताती हूँ इस मंकी की स्टोरी. तो ये जो मंकी था ये इस टॉवर में रखा हुआ था ताकि उस तरफ से अगर कोई भी आए उसको डराने के लिए, और इसका जो तरफ था वो दूसरी तरफ था, अब इस तरफ कर दिया गया है. अब इसके हाथ में ये बोलते हैं मिरर है. तो दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ दिस मंकी, जो थोड़ा सा डरावना सा लग रहा है, आई डोंट नो कैसा लग रहा है, पर दिस इज़ द हिस्ट्री. तो ये डराने के लिए अगर दूसरी तरफ से कोई ना आ पाए इसलिए. यस यस, इट्स अ सिंबल ऑफ मॉकरी, मजाक, मजाक का सिंबल है. हाइडलबर्ग आई और हाइडलबर्ग कैसल के बारे में बात नहीं करी, ऐसा कैसे हो सकता है. सो आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट दिस ब्यूटिफुल हाइडलबर्ग कैसल जो कि र्यून इन जर्मनी है और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लेस है हाइडलबर्ग में देखने के लिए. और बिकॉज दिस टाउन इज ओल्ड टाउन, वेरी ओल्ड टाउन, सो इससे हिस्ट्री रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें और टूरिस्ट बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं यहाँ आने के लिए. And this is partially rebuilt in 17th and 18th century. तो आपको थोड़ा टूटा फूटा भी दिखेगा, but still it's very beautiful. कैसा होता अगर मैं यहीं रह रही होती, सिटी ऑन द रिवर्स, ब्यूटिफुल लाइटिंग, रात की जो नाइट लाइफ है यहाँ पर बहुत अच्छी है, कैसल बहुत सुंदर है, कल्चर तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा बिकॉज ऑफ स्टूडेंट, मुझे यहाँ का कल्चर बहुत लाइट लगा, बहुत चार्मिंग लगा. ओल्ड सिटी की वजह से इसमें एक अलग ही ब्यूटी है और इन्होंने सेम तरीके से मेनटेन कर रखा है, ये इन लोगों की ब्यूटी है.
एंड इसी के साथ हम लोग जाते हैं बिकॉज रात हो गई है और हम लोगों को 2 आर की ड्राइव करनी है बैक टू होम. बट मैं जाना नहीं चाहती थी बिकॉज आप देखो पहले क्यों नहीं. सुरभि चले चले चलो अब चलना तो पड़ेगा. नो भूल गई बोलना. आप लोग मुझसे पूछते रहते हो कि जर्मनी सेफ है लड़कियों के लिए या नहीं, तो हाइडलबर्ग के बारे में बता रही हूँ. हाइडलबर्ग जो है वो लड़कियों के लिए बहुत सेफ है, इवन किसी के लिए भी बहुत सेफ है. रात में रिवर पे लोग बहुत वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी है यहाँ की. तो लड़कियाँ हो लड़के हो कोई भी हो आराम से नदी के आस पास रात में आराम से वॉक कर सकते हैं, कोई भी डरने की बात नहीं है. वेलकम टू हाइडलबर्ग. हाँ मैं तो ऑलरेडी ऑन किया हुआ है, फिर से करना है क्या? जाने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना. सब्सक्राइब बटन दबाने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो ये रेड बटन है ये क्लिक करनी है. इन केस आपने गूगल अकाउंट से लॉग इन नहीं किया है तो लॉग इन कर लेना. वो आपसे आपका बेसिकली यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, जिसमें डरने की कोई बात नहीं. अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपने सब्सक्राइब कर लिया, मतलब ग्रे बटन दब गया. और हाँ, ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज आपको मेरे वीडियोस कब आए ये पता ही नहीं चलेगा. तो जो बेल की घंटी है वो जरूर दबाना और लाइक करना मत भूलना गाइस.